अस्सलामवालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कहीं जा रही हूँ। जी हाँ, डेफिनेटली मैं आज जा रही हूँ अपनी कज़न की तरफ। फिर जा रही हूँ, अभी तो कज़न की तरफ से होकर आई थी, नहीं आज मैं जा रही हूँ। उस दिन मैं गई थी अपनी ताया की बेटी के घर, आज मैं जा रही हूँ अपनी खाला की बेटी के घर। तो बड़ी तैयारी की है सारी, मैं दिखाऊंगी आपको सुबह से मैं कैसे लगी हुई थी और सारे काम कर लिए घर के, सब काम निपटा लिए, हस्बैंड के भी सारे काम निपटा दिए हैं कि उनको मेरे पीछे से मेरे बगैर कोई टेंशन ना हो सिवाय बोरियत के। बोरियत उनको बहुत ज़्यादा होती है मेरे बगैर, अच्छी बात है ये। खैर, और यह है कि अब वहाँ व्लॉग बनाएंगे और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, रास्ते में भी दिखाएंगे आपको। आज ये है कि कल बारिश हुई थी, आज ज़रा शदीद गर्मी है। अभी के धूप जो है कम हो चुकी है लेकिन अभी भी है, और 6 बज रहे हैं टाइम। मैं बस निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में, मैंने चाय रखी है हस्बैंड के लिए। वो सुबह हो चुकी है, सारे घर के काम मैंने कर लिए थे, कपड़े भी धो के मैंने डाल दिए थे, सारे काम करके फारिग हो के अब मैं बाहर मौसम देखने आई थी। शदीद किस्म की धूप निकली हुई थी बाहर, और ये कि सुबह हमारे यहाँ ये टेंट लगा हुआ था, यहाँ फौतगी भी हो चुकी थी। यहाँ भी जाना था अफसोस के लिए, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं कामों में बिज़ी थी। खैर, अब मैं कर रही थी कि सोच रही थी कि अब अपने कपड़े निकालूं, उनको प्रेस करूं, तो अपने कमरे में गई। कपड़े मैंने रात को ही निकाल के चेयर पे रख दिए थे, बैग अपना मैंने रेडी कर लिया था। बैग उठा के मैं अपना डाइनिंग टेबल पे ले आई थी क्योंकि मैंने कहा कोई डिस्टर्ब ना हो, सब आराम कर रहे थे। अभी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। ये वो बैग है जो अम्मी मेरे घर में अपने कपड़े डाल के इसमें लेकर आती थी, अम्मी का ही बैग है, और ये बैग मैं अपने साथ ले आई थी। अब इस बैग में मैं अपने कपड़े रख के कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं अपना सामान जो भी है इसमें रख के कहीं भी ले जाती हूँ। अम्मी की हर चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें रात में अपने कपड़े, नाइट सूट और एक अपना ड्रेस जो मैंने सुबह पहनना था वो इसमें रख दिया था। ये मैंने निकाला ताकि इसको प्रेस किया जाए। कपड़े प्रेस कर लिए थे, दुपट्टा भी प्रेस कर लिया था। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपना दुपट्टा जला दिया था और मैंने बड़े ध्यान से दुपट्टा प्रेस किया था क्योंकि मेरा यह नया ड्रेस था और मैं डर रही थी कि कहीं इसको कुछ ना हो जाए। बड़े ध्यान से मैंने ये सूट प्रेस किया और ये प्रेस करते करते इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, और 2-3 दिन से वाकई बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। कपड़े मेरे दो घंटे में फ़ौरन सूख जाते हैं। टॉवल लिया, अब जाया जाए, फ्रेश हुआ जाए ताकि तैयार होकर निकला जाए। 4:30-5 बजे का टाइम है लेकिन ऐसे लग रहा है कि दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं। वहाँ पे भी मेरी जो है बाकी कजन्स भी आ रही हैं, उनके बच्चे भी होंगे, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, और ये भी वही कजन्स हैं जिनसे मैं शायद 18 या 20 साल बाद मिलने लगी हूँ। वही बात है, शादियाँ हो गई सबकी, उसके बाद वो अपने छोटे छोटे बच्चों में बिजी हो गए, फैमिली इन लॉज, ये सब इन सब चीज़ों को समझने में इंसान को कम से कम 4-5 साल तो लग जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से चले गए लाहौर से, सारी फैमिली मेरी लाहौर होती है, हम लोग चले गए कराची। तो उसके बाद ये है कि इसमें टाइम गुजर गया, वालिद साहब हमारे, उनकी डेथ हो गई, वालदा हैं रिसेंटली, उनकी डेथ हुई है। तो उसके बहुत सालों बाद हम सब कज़न्स मिलने लगे हैं, बैठने लगे हैं साथ, तो एक अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है। बचपन की कहते हैं ना कि बहनों की तरह की वो बात है इन सब से, तो एक अच्छा, बहुत अच्छा एक मेमोरेबल टाइम गुजरेगा, इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, अभी राइड कराते हैं सबसे पहले और फिर निकलते हैं। हमारे एरिया में तो कोई अता पता नहीं था बारिश का, और मुझे भी नहीं पता था कि लाहौर के किसी एरिया में ऐसे इतनी बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैं बाजी जहां मेरी रहती हैं, हालांकि बेटी, उनके एरिया में एंटर हुई, तो वहां पे
अच्छी खासी शदीद किस्म की कोई 2 घंटे शायद बारिश हुई थी, और वो जो ड्राइवर था जिसके साथ मैं आई थी जिस राइड पे, वो बड़ा हैरान परेशान हो रहा था कि हम कहाँ आ गए। इतना पानी था कि हमें बहुत मुश्किल हो रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि ये कहीं मुझे इधर ही ना उतार दे गुस्से से, क्योंकि उसकी गाड़ी में भी पूरी डूबी हुई थी और अच्छा खासा पूरे एरिया में पानी था। कहीं भी ऐसा नहीं था कि पानी ना हो, पूरा एरिया ही डूबा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके दुआएं करके मैं बहरहाल खाला की बेटी के घर आराम से तो नहीं पहुँच ही गई थी, और एक उनकी गली में जाके उनकी लोकेशन पे जाके ही मुझे ड्राइवर ने बोला कि अब आप यहीं उतर जाएं, मेरी गाड़ी में पानी आ जाएगा। लेकिन ये कि शुक्र है सामने ही खाला की जो बेटी हैं, मेरा भांजा है, वो सामने ही खड़ा हुआ था, उनका बेटा, तो बचत हो गई। बाजी की तरफ आके सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बाजी ने बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था खाने का, और यहाँ मैंने व्लॉग को शूट नहीं किया क्योंकि प्राइवेसी का थोड़ा मैंने सबका ख्याल रखा, और ये कि बहुत अच्छा टाइम मेरा स्पेंड हुआ अपनी कज़न्स के साथ, अपने भांजे भांजियों के साथ, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत मेमोरेबल टाइम बहुत अरसे बाद अपनी फैमिली के साथ मैं गुजार के आई। रास्ते में वापसी में आते हुए मैंने थोड़ा शूट किया था वो कज़न के घर, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। अब जी घर की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, रास्ता जो है बड़ा सजा हुआ है क्योंकि 14 अगस्त की तैयारियां शुरू हुई हुई थी। लाहौर में भी अच्छी खासी सजावट होती है, ये आप देख सकते हैं। मैं बैठे बैठे इसको भी शूट करते जा रही थी कि बड़ी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है हर तरफ, रोड्स को साइड्स पे सजाया हुआ है, ग्रीन बेल्ट को सजाया हुआ था, हर चीज़ ग्रीन एंड वाइट हुई हुई थी। तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया निकलते हुए, हर तरफ लाइटिंग हुई हुई थी बेहतरीन किस्म की, और मैं बैठी इसको जहाँ जहाँ अच्छा बिल्डिंग्स को अच्छे से सजाया हुआ था, रोड्स को अच्छे से सजाया हुआ था, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखें कितना अच्छा, क्योंकि मैं निकल रही थी कैंट के एरिया से, और मेरी जो कज़न है वो रहती हैं कैंट में, और वो सारा सजाया हुआ था निकलते हुए, पूरा रास्ता है मेन लाहौर मॉल रोड, और वहाँ से होते हुए गुजरना था। ये रहा फोर्ट्रेस, और फोर्ट्रेस को बहुत अच्छा खासा रेड डेकोरेट किया हुआ था ग्रीन एंड येलो लाइट्स के साथ, ये देखें पूरा, और अच्छी खासी पब्लिक आई हुई थी, अच्छा खासा रश था। ये देखें रोड के उस तरफ सारा ट्रैफिक जैम था, हमने प्लान किया था लेकिन ये कि मैं इस रश को देख के कैंसिल कर दिया कि भाई हम भी फंस जाएंगे इसी तरह, अंदर तो जा नहीं सकेंगे और अगर अंदर भी चले गए तो रश ही रश होगा। पर मैंने इंजॉय किया आते हुए रास्ते में, अच्छा खासा लाहौर देख लिया था, 14 अगस्त 13 अगस्त 12 अगस्त जो किस तरह से लाहौर सेलिब्रेट करता है। ये देखें आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप मेरी हर वीडियो से अपडेटेड रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड विद रुकी व्लॉग्स।